आरएसएस का आज से वार्षिक सम्मेलन शुरू हो रहा है। वार्षिक सम्मेलन आरएसएस का आज से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन ये है और ये नैनीताल में मनाया जाएगा। आज से आरएसएस का वार्षिक सम्मेलन, 3 दिवसीय सम्मेलन नैनीताल में होगा और उत्तराखंड के नैनीताल में इस वार्षिक सम्मेलन को मनाया जाएगा। ये खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आरएसएस से जुड़ी हुई, आरएसएस का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन। बैठक में कई बड़े प्रचारक मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में, वार्षिक सम्मेलन में, कई बड़े प्रचारक मौजूद रहेंगे जो नैनीताल में मनाया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इसमें मौजूदगी दर्ज करवाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल में ये सम्मेलन हो गया, अब तक की बड़ी खबर। करीब 180 से ज़्यादा सदस्य इस सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। आरएसएस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आरएसएस का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन उत्तराखंड के नैनीताल में शुरू होगा, जहां बड़े दिग्गज आरएसएस के और प्रचारक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल में इसका आयोजन होगा। आरएसएस से जुड़ी हुई अब तक की ये सबसे बड़ी खबर। तो बता दें कि आरएसएस का वार्षिक 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू होने वाला है। बैठक में कई प्रचारक मौजूद रहेंगे और ये नैनीताल में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस सम्मेलन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे प्रचारकों के साथ। और ये सम्मेलन नैनीताल में होगा। आरएसएस से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की करीब 180 से ज़्यादा सदस्य इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आरएसएस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, आरएसएस का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन नैनीताल में होगा। और इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता राव शफात अली। राव, इस सम्मेलन के क्या मायने निकाले जाए? ये सम्मेलन जो नैनीताल में हो रहा है आरएसएस का, ये किस उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए काफी चिंतन मंथन हुआ, काफी बड़े एजेंडे रहेंगे क्योंकि 3 दिवसीय जो वार्षिक सम्मेलन है नैनीताल में आज से शुरू होने वाला है और करीब इसमें 180 से लेकर के 200 जो पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण बड़े जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और 3 दिन के दौरान कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आरएसएस के जो एजेंडे हैं उनको किस तरह से किया जाए, किस तरह से वर्कआउट रूम पर होता है, किस तरह से जानकारी लोगों तक दी जाए, तो काफी बड़े पैमाने पर ये 3 दिवसीय जो है सम्मेलन शुरू होने वाला है। राव, आपने कहा कि आरएसएस कई बड़े एजेंडे लोगों के सामने पेश कर सकती है इस सम्मेलन में, क्या आपके पास कोई जानकारी है इन एजेंडे से जुड़ी हुई? देखिए मंशु, अभी तक इस तरह की तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से नैनीताल में इस सम्मेलन को रखा गया है और वार्षिक ये सम्मेलन है 3 दिन का, और जैसा मैंने कहा कि करीब 180 से 200 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं आरएसएस के, और बड़े पदाधिकारी होंगे, बड़े कार्यकर्ता होंगे आरएसएस से जो जुड़े हुए हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं इसकी महत्वपूर्णता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नैनीताल में 3 दिन का ये शिविर लगेगा, 3 दिन का ये जो है वार्षिक सम्मेलन है। तो इस दौरान कहीं ना कहीं जो आरएसएस के जो मुद्दे होते हैं उन पर ही खास चर्चा रहेगी। और देखिए इसलिए अगर अंदर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए मुद्दे भी कुछ इसमें रखे जा सकते हैं, क्योंकि हालांकि आरएसएस कहती है कि भाजपा से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाजपा को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो गाइडलाइन जारी होती है वो आरएसएस से ही होती है। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर आरएसएस का इस तरह का 3 दिवसीय शिविर रखने का मकसद भी यही हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ भाजपा को भी अंदरूनी तौर पर मजबूत करने की चर्चा हो। 2017 विधानसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में आरएसएस का सम्मेलन, और आपने कहा कि बीजेपी के ज्यादातर फैसले आरएसएस और उससे जुड़े होते हैं, तो क्या आरएसएस की इस सम्मेलन को राजनीतिक परिदृश्य से देखा जा सकता है? हालांकि आरएसएस इस पूरी बात से इनकार करती है कि ये सम्मेलन उसके जो एजेंडे होते हैं उसके लिए ही रखा जाता है, जो आरएसएस की गाइडलाइन होती है उसके लिए रखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सब जानते हैं कि भाजपा को गाइडलाइन जारी करने के लिए आरएसएस के जो बैठक होती है उसमें काफी चर्चा और चिंतन मंथन होता है। और दूसरे मंशूर 2017 में यहाँ चुनाव होना है और लगातार जिस तरह से उत्तराखंड है भाजपा के साथ लगातार जीत रही है, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और हरीश रावत का वर्चस्व इस वक्त सूबे के अंदर पूरा है। तो कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये जो 3 दिवसीय शिविर होगा इसमें काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राव। तो आपको बता दें कि आरएसएस का 3 दिवसीय सम्मेलन उत्तराखंड के नैनीताल में होने जा रहा है, जिसमें कई बड़े पदाधिकारी हिस्सा ले सकते हैं। इस 3 दिवसीय सम्मेलन को नैनीताल में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर कई बड़े अधिकारी हिस्सा ले सकते हैं।